तुच्छ रक्षा सौदे, टाटा ट्रक घोटालेबाजों की लंदन मंडली, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बचाव आपूर्ति के 1800 करोड़ का दोहन कर रही है। पी गुरुज ने लंदन में स्थित हमारे शुभचिंतकों से भारत में रक्षा सौदों में बड़े फर्जीवाड़े और टाटा ट्रक घोटालेबाजों और स्वर्गीय रवि ऋषि, जिनका 2016 मध्य में निधन हो गया, से जुड़े होने से संबंधित बहुत सी सामग्रियों को प्राप्त किया है। यह जानकर हैरानी होती है कि उनकी कंपनियां, जो अब उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित है, अब भी भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ कई सौदों में लिप्त है, राजनीतिक सीमाओं से परे राजनेताओं और भ्रष्ट नौकरशाहों की मदद से। आज हम भारत के सरकारी खजाने को लूटने वाले लंदन स्थित ऑपरेटरों को बेनकाब करने के लिए तुच्छ रक्षा सौदे के नाम से एक श्रृंखला चला रहे हैं। तुच्छ रक्षा सौदे भाग एक। टाटा ट्रक घोटाला 2012 सुर्खियों में रहा, जब तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने खुलासा किया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह ने खरीद को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। चेकोस्लोवा के विघटन के बाद टाटा ट्रक की आपूर्ति को लंदन निवासी, दिल्ली के मूल निवासी रवि ऋषि, पूरा नाम रविंद्र कुमार ऋषि, द्वारा नियंत्रित किया गया और इस मामले में रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने भी रिश्वत के प्रयास के बारे में बताया। रवि ऋषि अपनी फर्म वेक्टर ग्रुप के माध्यम से सौदे कर रहा था, जहां उसका साथी कोई और नहीं बल्कि भगोड़ा हथियार व्यापारी संजय भंडारी था, जिसे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति के कुछ हिस्से से संबंधित माना जाता है। पी गुरुज के लंदन स्थित शोधकर्ताओं, कुछ निजी अन्वेषक भी है, द्वारा दिवंगत रवि ऋषि की डायरियों, ईमेलों से पता चलता है कि रवि ऋषि जब भी दिल्ली में उतरते थे, चाणक्यपुरी के एक चैपल में सुबह सोनिया गांधी से मिलते थे। हमने कई वीआईपी, राजनेता, नौकरशाह, पत्रकार, ऐसे ही एक जालसाज पत्रकार हाल ही में जेल में थे की कई तस्वीरें देखी, जिनमें वे रवि ऋषि के साथ लंदन में जीवन का आनंद ले रहे थे, जिसके पास दिल्ली की पॉश कैलाश कॉलोनी में घर भी है। आइए हम टाटा घोटाले पर वापस लौटते हैं। 2011-2012 में भारत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सामना कर रहा था और घोटालों की बहुतायत ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को प्रभावित किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने टाटा ट्रक घोटाले में दो मामले दर्ज किए। एक रिश्वत की पेशकश के बारे में जनरल वीके सिंह की शिकायत पर आधारित था और हाल ही में अगस्त 2019 के मध्य में सुनवाई अदालत ट्रायल कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अब हम देखते हैं कि भ्रष्ट राजनेता और नौकरशाह देश में जिसके हाथ सत्ता होती है, उसके साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। सीबीआई ने टाटा घोटाले में एक दूसरा मामला भी दर्ज किया, जो कि रवि ऋषि की अगुवाई में लंदन मंडली के माध्यम से भारतीय सेना के लिए ट्रकों की खरीदी में दशकों से चली आ रही रिश्वत का मामला है। 2012 में सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट एफआईआर के बाद रवि ऋषि के वेक्ट्रा ग्रुप और उनके और उनके निदेशकों सहित सभी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और उनके सभी व्यवसाय रक्षा, गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ बंद कर दिए थे। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम पीएसयू फर्म BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पूरी तरह से टाटा ट्रकों की आपूर्ति में रवि ऋषि की लूट का हिस्सा था। लेकिन अगस्त 2014 में सीबीआई ने इस मुख्य मामले में एक अंतिम क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि कुछ भी ठोस नहीं पाया गया। लेकिन आज तक अदालत ने सीबीआई द्वारा इस संदिग्ध अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी नहीं दी है और सुनवाई की अगली तारीख 9 सितंबर 2019 के लिए आगे बढ़ाई गई है। सीबीआई ने पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश को बताया है कि दशकों से लंबित टाटा ट्रकों की खरीद में मामले को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें रक्षा मंत्रालय से कोई दस्तावेज नहीं मिल रहा है। यह रक्षा मंत्री के रूप में अरुण जेटली थे, जिन्होंने अगस्त 2014 में सीबीआई को मामले को बंद करने के लिए कहा था। यह सर्वाधित है कि कैलाश कॉलोनी में जेटली और रवि ऋषि अच्छे दोस्त और पड़ोसी हैं। जेटली का घर A44 है और कैलाश कॉलोनी में रवि ऋषि का घर F54 है। खैर, दोनों अभी संसार में नहीं हैं।
इस सीबीआई अंतिम रिपोर्ट का उपयोग करते हुए रवि ऋषि ने कुछ ऑफसेट अनुबंधों के साथ कैलाश कॉलोनी पड़ोसी अरुण जेटली के रक्षा मंत्री बनने के तुरंत बाद रक्षा सौदों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। कैंसर से पीड़ित रवि ऋषि का बाद में 2016 के मध्य में निधन हो गया। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सीबीआई के खिलाफ रवि ऋषि के वकील थे। सीबीआई समापन रिपोर्ट, जिसे अभी तक ट्रायल कोर्ट द्वारा मंजूर नहीं किया गया, का उपयोग नकली क्लीन चिट के रूप में कैसे किया गया और उनकी कंपनियों को रक्षा सौदों में प्रवेश करने की अनुमति कैसे दी गई, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली ट्रायल कोर्ट के लेफ्टिनेंट जनरल तेजेंद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश के बाद अब सीबीआई और रक्षा मंत्रालय में खलबली मच गई है। क्यों? क्योंकि सीबीआई और रक्षा मंत्रालय को जवाब देना है कि उन्होंने अगस्त 2014 में लंदन स्थित हथियार डीलर रवि ऋषि से जुड़े मुख्य मामलों को क्यों बंद कर दिया था। 2010 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रवि को रूसी जासूसी से संबंध होने के मामले में पकड़ा और तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उसे बचाया था। राजनेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों की मदद से स्वर्गीय रवि ऋषि की फर्म, जो एक फर्जी खोल कंपनी से ज्यादा कुछ भी नहीं, ने दिसंबर 2018 में पनडुब्बी बचाव प्रणाली की दो पूर्ण इकाइयों की आपूर्ति के लिए भारतीय नौसेना के साथ प्रतिष्ठित फर्म जेम्स फिशर एंड सन्स के सौदे के लिए 193 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, लगभग 1800 करोड़ रुपए का ऑफसेट अनुबंध हासिल किया। स्वर्गीय रवि ऋषि की बेनामी फर्म MIL व्हीकल्स एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस बड़े भारतीय नौसेना सौदे का ऑफसेट अनुबंध प्राप्त किया था। इस फर्जी खोल कंपनी के पास प्रदत्त पेड अप पूंजी के रूप में केवल 3 लाख रुपए है और सरकारी रिकॉर्ड में इस खोल फर्म का पहला पता A54 कैलाश कॉलोनी नई दिल्ली 110048 है, जो स्वर्गीय रवि ऋषि का घर का पता भी है। कल जारी रहेगा रक्षा में कौन से अन्य सौदे हैं और वे कौन है जो लंदन स्थित रक्षा व्यापारियों को समर्थन दे रहे हैं।